नमस्कार दोस्तों, बांडी सिंगद्रा बांध संघर्ष समिति के प्रमुख सेवादार श्रीमान सरवण सिंह जी ठाकुर साहब आज यहाँ पर हमसे रूबरू होके इस बांध से संबंधित अपन को जानकारी देंगे कि बांध अभी विपर्जोत चक्रवात और बारिश के मौसम में पूर्णतया भर चुका है, बावजूद उसके सरकार है जो 33% पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सर, ये बांध ये कैसा लोकतंत्र है? आखिर लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। ये आपने बात बिल्कुल हमारे जो कार्य की जो बात होती है वो आपने उठाई है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो सरकारों को अधिकार है वैसे वैसे जनता को भी अधिकार है, और इस देश के संविधान ने हमारे को जो अधिकार दिया है उसी अधिकारी के तहत हमने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे को सत्याग्रह का रास्ता बताया था कि आपकी जो अगर जायज मांगे तो उसके लिए सत्य पुरुष आग्रह करो, तो हमने भी सत्य पुरुष आग्रह करते हुए यहाँ पे सत्याग्रह के तहत हम सारे किसान साथी हो कल से यहाँ पे उपवास पे बैठे हैं, सत्याग्रह पे बैठे हैं। और हमने एक राजस्थान में एक नए तरह का प्रयोग किया है कि महात्मा गांधी राम नाम का जाप करके सत्याग्रह करते थे, और हमने चूंकि हमारी नदी का मामला है, बांडी नदी का मामला है, तो हमने भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का अखंड जाप करते हुए हम यहाँ पे 48 घंटे का हमने अनशन का ये सत्याग्रह का सरकार को कॉल दिया है, और जिसके तहत कल 11 बजे हमने सुबह वैदिक रीति रिवाज के साथ भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ स्थापित की, पूजा अर्चना की, उसके बाद आरती करके हम सब यहाँ पे सत्याग्रह पे बैठे हैं। हमारी जो मांग है राजस्थान सरकार से ये है कि इस बार सणंदरा बांध के अंदर 1000 MCFT फीट पानी भरा हुआ है। उस राजस्थान का पहला ऐसा बांध है जो एक बरसाती नदी पे बना हुआ बांध है, जो बनाया ही नहीं जाना सीधा ग्राउंड पे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बना दिया, तो उसके एक भी गेट नहीं है। उसका पानी न तो सिंचाई के लिए काम आता है और न पीने के लिए काम आता है। तो हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि वो पानी तुरंत प्रभाव से आप नदी में छोड़ो, जिससे नदी का प्राकृतिक भाव चालू हो जाए, तो जो किसान है, वनस्पति है, जीव जंतु है, वो सबके पानी काम आ जाए, भूमिगत जल स्तर उसके बढ़ेगा और हम सबका फायदा होगा और सरकार का भी फायदा है। PHD के जो ट्यूबवेल बने हुए हर गांव में वो हर साल फेल हो जाते हैं क्योंकि पानी की कमी है, और वहाँ हेल्थ की भी प्रॉब्लम है, फ्लोराइड की बहुत दिक्कत है। सरकार से भी हमारी ये पूर्व अहिंसावादी तरीके से हमारी मांग है कि वो पानी छोड़े, इसके लिए हम सारे लोग यहाँ पे बैठे। आपने ठाकुर का, ठाकुर तो भगवान शिव या वही है, हम तो ठाकुर नहीं है, मैं तो साधारण किसान का बेटा हूँ और ठाकुर जी कृष्ण भगवान को कहते हैं या कोई और होते होंगे, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, और हम सब लोग ये किसानों की मांग को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं।